नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। विज्ञापन पर रोक के मामले में बीजेपी को सोमवार 27 मई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बीजेपी की याचिका सुनने से मना कर दिया है और कलकत्ता हाई कोर्ट में बात रखने की सलाह दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन पहली नजर में अपमानजनक लगते हैं। अभी जब हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है तो आप वहां अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हम दखल क्यों दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मतदाताओं के हित में भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप हमेशा कह सकते हैं कि आप बेस्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विपक्षी पार्टियों के बारे में मानहानि और अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करें। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी जनसभा में बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई टीएमसी सरकार को बीजेपी नहीं हटा पाएगी, उसकी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी। राज्य के जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा की ओर अटकलें लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी के दिन गिने चुने रह जाएंगे, ये सीधे धमकी देने के बराबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बसपा नेता आकाश आनंद की तारीफ करते हुए कहा कि किसी नौजवान को कोई अच्छी शुरुआत की हो और अपने समाज को लेकर अच्छे कार्य कर रहा हो, आपने इस पर पाबंदी लगा दी। हालांकि ये बसपा की अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन आकाश आनंद एक नौजवान है और वे आगे निकल रहे थे, इसलिए मैं उनका पक्ष ले रहा हूं। बता दें कि कुछ दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और उत्तराधिकारी के पद से आकाश आनंद को हटा दिया था। इसी को लेकर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका सारा वोट इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य को वजह बताया है। उन्होंने गंभीर बीमारी के लक्षण बताते हुए इलाज के लिए समय मांगा है। आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार को कहा गया है कि केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनके शरीर में कीटोन का स्तर अधिक है। पार्टी ने कहा ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। उन्होंने पीईटी, सीटी स्कैन और कई अन्य जांचों से गुजरना होगा। उन्होंने जांच करने के लिए 7 दिन का समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल के पीए विवेक कुमार की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका पर 30,000 कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी। सुनवाई के दौरान एक पल ऐसा आया जब स्वाति रो पड़ी। विवेक कुमार की जमानत याचिका पर आज 30,000 कोर्ट रूम में 119 में सुनवाई हुई। इस दौरान विवेक कुमार के वकील ने हरिहरन ने स्वाति मालीवाल के सीएम आवास के आने को अतिक्रमण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने एफआईआर की आईपीसी धारा 308 पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान जब कोर्ट रूम में सीएम आवास का वीडियो दिखाया गया तो स्वाति मालीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाई और वे सुनवाई के बीच रोने लगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए तो संविधान नहीं बचेगा। संविधान और लोकतंत्र बचाने को प्रधानमंत्री से जनता लड़ रही है, हम तो जनता के साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जब भावनाओं को भड़काकर देश को बांट रहे हैं, लेकिन जनता भाजपा के मंजूपों को समझ रही है। खड़गे ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से भाजपा डरती है। 1989 से गांधी परिवार का कोई भी देश में प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बना है, लेकिन सपने में भी ये इस परिवार से घबराते हैं। गलती से भी नरेंद्र मोदी शासन में आए तो देश में तानाशाही लागू कर देंगे और देश को गुलाम बनाकर छोड़ देंगे। इस बार बांटो और हुकूमत करो के प्रधानमंत्री की नीति नहीं चलने वाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इसे हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है। अखिलेश यादव ने कहा कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्फिडेंस में कमी नजर आ रही है और इसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को पता है कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें चरण में जनता बीजेपी के लोगों को 7 समंदर पार भेज देगी।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, इसको हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से प्यार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने देश के एक हिस्से को पीओके बना दिया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम जागना ये दिखाता है कि इनके नेता रहते तो हिंदुस्तान में है लेकिन पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। कांग्रेस की सोच पाकिस्तान समर्थक है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बना दिया। शनिवार को हुए लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 73.36% मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने रविवार को अपडेटेड आंकड़ा जारी किया है। वैसे छठे चरण के मतदान में अब तक 20 मई को हुए पांचवें चरण की वोटिंग में सबसे कम 62.2% मतदान हुआ है। सातवें और आठवें चरण का मतदान अभी 1 जून को होना है। छठे चरण में शनिवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार और बंगाल की 8-8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों के अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट शामिल है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।